घर घर में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कायरा के मिलन की हो रही है चर्चा, यानी कि कार्तिक और नायरा हो जाए कि यही बात हर किसी की जुबान पर है, यही दुआएं फैंस की है। लेकिन मेकर्स यहां पर कार्तिक नायरा को मिलाने के बजाय और भी ज्यादा दूर करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शो की नई लीड पंखुरी अवस्थी है जो कि नई विलेन है इस लव स्टोरी की, कार्तिक नायरा के मिलन की। वेदिका जो कि आप सभी को नजर आती होंगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल कार्तिक की दूसरी पत्नी बनी हुई। तो चलिए अब जो नई अपडेट आई है शो को लेकर उससे हम आपको रूबरू करा दे। वल उड़ती हुई खबरें आ गई है सीरियल की सेट पर से कि शो में अब जो है वेदिका और नायरा का होगा आमना सामना। इमोशनल मोमेंट शेयर करने वाले हैं ये दोनों, ऑकवर्ड मोमेंट से गुजरने वाले हैं ये दोनों। जी आप देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइव, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज सीरियल गॉसिप हमारे इस खास प्रोग्राम के खास एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ YRKKH यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है उससे जुड़ी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ, रिपोर्ट क्या कहती है ये जानते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से ये मालूम हुआ है कि जो वेदिका और नायरा है एक दूसरे के सामने होंगे। दरअसल गोयनका परिवार का एक भी सदस्य नहीं चाहता है कि नायरा गोयनका परिवार में रहे और कार्तिक की पत्नी बनकर यहाँ पर वेदिका के दुख का कारण बने। लेकिन यहाँ पर गोयनका परिवार में कार्तिक ही है जो कि ये इजाजत नायरा को देगा कि वो गोयनका परिवार में रहे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, ना कि खुद की खुशी के लिए। कार्तिक का ये फैसला सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए होगी, कायरव की खुशी के लिए, कायरव के लिए फिक्रमंद एक पिता का फर्ज निभाने के लिए कार्तिक ये बड़ा फैसला लेता है और अपनी ही पत्नी वेदिका को और भी ज्यादा दुखी कर देता है। जिस वेदिका के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कार्तिक ने कदम बढ़ाया उसकी मांग में सिंदूर भरा और वेरी नाइंथ के दिन इसे हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा वक्त, तो वेदिका टूटी हुई है और नायरा अब उसे कंसोल करने वाली है। नायरा रहेगी गोयनका परिवार में ये जानकर टूट गई है वेदिका और वेदिका के सारे सपने टूटते हुए सही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कार्तिक और नायरा के सामने वेदिका यहाँ ना चाहकर भी विलन बन गई है। तो वेदिका से जुड़े राज अब नायरा के सामने आ गए हैं। नायरा जो है सिंपति देगी, कंसोल करेगी वेदिका को, प्रॉमिस करेगी कि वो बहुत जल्द अपने बेटे कायरव के साथ गोयनका हाउस से विदाई लेगी, गोयनका परिवार से पूरी तरह से दूरी बना लेगी, कार्तिक की जिंदगी में नहीं लौटेगी और उसके बेटे की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी में कार्तिक और वेदिका के रिश्ते में कोई भी दरार, कोई भी तकरार नहीं आने वाली है। ये कहना है नायरा का वेदिका से। जब वेदिका आती है नायरा के पास पानी का ग्लास लेकर, कुछ खाने की चीज़ लेकर उसे संभालने के लिए, लेकिन वेदिका को उल्टा संभाल कर नायरा यहाँ पर वेदिका का दिल जीत लेती है। लेकिन क्या वेदिका नायरा और कार्तिक को मिला पाएगी या फिर वेदिका यहाँ पर अपने कुछ जो ख्वाब है उसे पूरा कर कार्तिक के साथ अपनी नई शादीशुदा की जिंदगी को संवारेगी, देखना होगा ये सब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में देखना होगा दिलचस्प शो कौन सा नया मोड़ लेती है। आने वाले एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है कार्तिक और नायरा का, ये देखना होगा दिलचस्प। अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे जल्द तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।